हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल दैट इज़ टैल बाय भूमिका। और मैं हूँ आपकी दोस्त भूमिका। आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे हो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करने आई हूँ वो है दिवाली के आउटफिट्स। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा पहले ही, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो को इस तरह शूट किया है कि आप लाइक जैसे हाउस पार्टी हो गई, कार्ड पार्टी, ऑफिस पार्टी हो गई, ठीक है, और आप कहीं किसी ने पार्टी थ्रो की अगर वहाँ आप जा रहे हो तो वहाँ पे कैसे ड्रेसअप हो, इन सबको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। मतलब मेरा तो मैंने बेस्ट दिया है। देखती हूँ आपको कितना पसंद आता है ये वीडियो। और जैसा कि आप जान गए हो, एकदम सारे फेस्टिविटी शुरू हो चुकी है ना, एक दुर्गा पूजा वगैरह सब तो जा चुके हैं, अब बस दिवाली आ रही है, फिर भाई दूज आएगा, सारी फेस्टिविटी शुरू हो चुकी है। तो हमें एकदम तैयार रहना है, ये नहीं सोचना है कि कोविड है तो हम कैसे सेलिब्रेट करेंगे। नहीं, हम अपने लिए ही तैयार होंगे, अपने फैमिलीज़ के लिए, फ्रेंड्स के लिए तैयार होंगे, पॉजिटिविटी रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी सारे काम तो हम कर ही रहे हैं ना, तो क्यों नहीं फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें, ठीक है। भले इस बार थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट फिर भी हमें करना चाहिए ताकि हम अच्छा फील करें, है ना। वैसे ही बाहर बहुत नेगेटिविटी फैल चुकी है, तो हम खुद को अच्छा फील कराने के लिए, अपने आसपास को अच्छा फील कराने के लिए तो ये सेलिब्रेट करना ही बनता है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आपको ये मेरे आउटफिट्स कैसे लगते हैं। लेट्स स्टार्ट। दिस लुक इज़ परफेक्ट फॉर कार्ड पार्टी, जहाँ पे आप ब्लाउज़ की जगह इस डेनिम शर्ट को स्टाइल करो, बहुत प्यारा लगेगा। इस तरीके से आगे की ओर पल्लू को उसके अंदर ला के टक कर लो, काफ़ी प्यारा लगेगा। ईयरिंग्स डालो, रिंग डालो, नीचे जूतीस पहन लो, साइड बन बना लो, एंड यू गुड टू गो। सेकेंड लुक इज़ परफेक्ट फॉर हाउस पार्टी, जहाँ पे आप बहुत फ्री फील करना चाहते हो। जिनको बहुत ज़्यादा एथनिक पहनना पसंद नहीं हो, इस तरह के ड्रेस के साथ जा सकते हैं। एथनिक ड्रेस के साथ नीचे बूट्स डाल लिए, स्टर्ट पहन लिया, पोनी कर ली, एक बिंदी लगा ली, बिकॉज बिंदी के बिना ना मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा एथनिक अधूरा अधूरा सा लगता है। और आप चाहो यहाँ पे तो एक रिंग भी डाल सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा और काफ़ी प्यारा लुक लगेगा ये। थर्ड लुक काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है सेकेंड लुक से, क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि आप इसमें भी बहुत फ्री फील करोगे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक ट्यूनिक कुर्ती को प्लाजो के साथ स्टाइल किया है, नीचे जूतीज डाल ली है, एक हैवी सी ईयरिंग्स डाल ली है, स्टेटमेंट ईयरिंग्स जिसे कहते हैं, बिंदी लगा ली है, पोनी की हुई है। आप चाहो तो पोनी में ना यार हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हो। मुझे इतने ड्रेस चेंज करने होते हैं कि मैं ये चीज़ तो भूल ही जाती हूँ कि मुझे हेयर स्टाइल भी चेंज करनी चाहिए। फोर्थ लुक इज़ परफेक्ट फॉर ऑफिस दिवाली पार्टी, जहाँ पे आपको फॉर्मल भी है, एथनिक भी है, एलिगेंट भी लग रहा है ना। मैंने ब्लाउज़ की जगह यहाँ पे ब्लेज़र का यूज़ किया हुआ है, चोकर्स पहने हुए हैं, नीचे बूट्स डाले हुए हैं, बिंदी लगाई, और इसमें तो पोनी ही अच्छी लगेगी मैं सच बताऊँ तो। और कोई हेयर स्टाइल आई डोंट थिंक सो कि अच्छी लगेगी। आप ब्लेज़र की जगह इस तरह का श्रग रिप्लेस कर सकते हो, श्रग पहन लो, या ये तो खैर अंगरखा कुर्ता है, आपने अगर मेरी पहले की वीडियो में देखा होगा तो आपने देखा होगा मुझे इसे पहने हुए, और बिंदी लगा ली। आप चाहो तो यहाँ पे ना चोकर्स भी पहन सकते हो, वो फिर डिपेंड करता है कि आप किस कलर का श्रग या अंगरखा कुर्ता पहन रहे हो, ठीक है। और बहुत प्यारा लग रहा है ये लुक भी। फिफ्थ लुक में मैंने क्या किया है कि जैसे होता है ना, काफ़ी सारी जगहों पे थोड़ी ज़्यादा अच्छे से पार्टी दी जाती है दिवाली की ना, मतलब होती तो सब जगह है पर कहीं कहीं आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वहाँ पे आप ऐसे ड्रेसअप हो सकते हो, एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्ती ले ली, नीचे स्कर्ट डाल लिया, हैवी सी स्टेटमेंट ईयरिंग्स पहन ली, या तो आप चोकर भी पहन सकते हो, और बिंदी लगा ली, और अपने स्कर्ट से मैचिंग दुपट्टा ले लिया, और बेल्ट के साथ स्टाइल कर लिया। बेल्ट के साथ स्टाइल करने से आपको ये भी है कि आप फ्री फील करोगे, है ना। तो बताना आपको कौन सा लुक सबसे अच्छा लगा। और हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल ऑफ़ यू, एंड लव यू सो मच। खुश रहिए, अपने से प्यार करिए, लव यू। सो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो मैंने पहले जैसा बोला, इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और खूब सारा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ। और बस मेरे वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। तो चलिए मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए लव लव, बाय।